देयर 33rd एनिवर्सरी. ऐसा दिख रहा है सेटअप. तो ये रही माँ की घड़ी और ये बाबा की घड़ी. बहुत दिनों से हमारा मन था कि माँ को और बाबा को अच्छी घड़ी दे, तो फाइनली ये रही. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग. आज है माँ और बाबा की 33rd मैरिज एनिवर्सरी और इसीलिए मेरे कॉलेज के ठीक बाद आकी बाबा को लेकर सीधा आ गए और हम तीनों निकल गए शॉपिंग के लिए. सो आज का ये व्लॉग है हमारा छोटा सा प्यारा सा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन. सो प्लीज बने रहिए एंड तक. हाय आकी. गुड मॉर्निंग. मामा जोनो गिफ्ट किनते इसी ना. आज है माँ और बाबा का मैरिज एनिवर्सरी. मीन्स दिस इज देयर 33rd एनिवर्सरी. तो ऐसा कुछ खास प्लानिंग तो नहीं है. तो बाबा भी आए थे. बाबा ने माँ के लिए सुंदर सी साड़ी ली है गिफ्ट. राजेश ने मुझे कह दिया था कुछ मिठाइयाँ लेने के लिए. और आगे देखिए, माँ को भी नहीं पता तो माँ बहुत नाराज हो रही है क्योंकि आखिर का लंच का जो टाइम है वो काफी देर हो चुकी है. She knows nothing about all this. So it's going to be kind of a surprise for her. तो जैसे वो इवनिंग उठेगी उनके लिए सरप्राइज होने वाला है. कुछ मिठाइयाँ वगैरह तो मैं लाई हूँ और राजेश बाद में केक लाने वाला है. ये आई वॉन्ट टू राइट समवेयर 33. आई डोंट नो इफ इट विल बी पॉसिबल बट आई विल ट्राई. तो अभी फिलहाल काम यहाँ तक आगे बढ़ी है. कैसा लग रहा है दोस्तों, ठीक ठाक है ना? मैं धीरे से बात कर रही हूँ क्योंकि माँ सो रही है एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर. मेन थिंग आई डोंट वांट हर टू वेक अप एंड देन सी दिस थिंग इनकम्प्लीट. सो बिफोर शी गेट्स अप कंप्लीट करना है. बस एक चीज़ की कमी है. आई वांट टू समहाउ राइट 33 देयर. जो भी सजावट करनी थी थोड़ी बहुत हो चुकी है. माँ के उठने का वक्त भी हो चुका है. अभी हम लोग प्रेयर करेंगे, इवनिंग प्रेयर. तो ऐसा दिख रहा है सेटअप. देखो आके उठ गई है. आखिर चलो चलो मामा को सरप्राइज करते चलो. हाँ चलो जा, मामा को बुलाओ. गो बोलो, चलो मामा पत्थर ना करो, चलो बोलो के जाओ. ये देखो आखिर का सरप्राइज. देखो क्यों ची पापा, क्यों ची रखो 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 पूरा जाते शो. मामा बोल भी ना, किंतु मामा के खाली बोल पत्थर ना करो, चलो मामा के बोल मामा चलो प्रार्थना करो जा. हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी. चलो प्रार्थना करो. की महिमा महिमा सुनाई विरह अनुराग जगायो के घर पहुंचो भाई साध संग कर साथ. राजेश आ गए हैं और केक भी लेके आए. और ये सारी तात की सारी जो आज बाबा ने वहाँ के लिए खरीदा, हम दोनों ने जाकर मेरे कॉलेज में कॉलेज खत्म होने के बाद जाके हम लोग खरीद के लाए. तो अभी बाबा माँ को देने वाले हैं. ये देखिए ये रहा केक जो भी अभी राजेश ने लाया. কেমন হয়েছে আঁকি কেকটা? চন্দর ক্যান্ডেল ব্লো করো. ও ক্ল্যাপ 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 বাবা ক্ল্যাপ আঁকি ক্ল্যাপ ক্ল্যাপ করো. হ্যাপি অ্যানিভার্সারি
हैप्पी 33rd एनिवर्सरी राजेशाई। तो अभी ये सब चलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स, रसमलाई, केक और ये ज्यादा कुछ नहीं। अब जो ये लोग खाते वही लाएंगे, ये भी नहीं खाएंगे मुझे पता है। तो बड़ा केक कैन बी फॉर द दे आर द स्पेशल वंस टुडे। आके अच्छी कार हैप्पी बर्थडे मम्मी के हाउस कार हैप्पी और मामा नानू आज आखिर का भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे है और मम्मा नानू का भी हैप्पी बर्थडे है। अभी राजेश और मैं भी खाएंगे। मुझे दो लाइट फोटो ही उठो नहीं तो कैसे क्या तुझे तो पड़ो नो ए मामा देखे चीज की होच्छे कि वाह की छोनू ना की बेपर आखी देखो कैसे देख रही है। अब मैं पेट पूजा थोड़ा कर लेती हूँ। ये मतलब एग्जाम ड्यूटी आज पूरा 3 घंटे मुझे बैठने का चांस ही नहीं मिला, तो मैं उसके बाद हम लोग शॉपिंग गए बाबा और मैं, उसके बाद लंच आके लंच करने के बाद फिर से ये सब प्रिपरेशन एंड ऑल। तो आई एम वेरी टायर्ड सो आज एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव दैट यू हैव बीन शावरिंग अपॉन अस ऑल दिस टाइम एंड एक्सपेक्टिंग मोर एंड मोर फ्रॉम यू। हाय ये देखो मिमी आखिर से बात कर रही है। मिमी हाय हाय। कल तो एनिवर्सरी चली गई, हमारा जो गिफ्ट था वो पेंडिंग था क्योंकि गिफ्ट की डिलीवरी आज ही हुई है। मतलब माँ का जो गिफ्ट है वो पहले आ गया था, बाबा का गिफ्ट की उसकी डिलीवरी आज ही हुई है तो अभी हम लोग उनको देने जा रहे हैं गिफ्ट। ये गिफ्ट जो मेरे राजेश और पल्लवी की तरफ से है उनके लिए, ऑफकोर्स आखिर की तरफ से भी है उनके लिए। तो अभी हम लोग जाके उनको गिफ्ट देने वाले माँ का एनिवर्सरी गिफ्ट। तो ये रही माँ की घड़ी और ये बाबा की घड़ी। बहुत दिनों से हमारा मन था कि माँ को और बाबा को अच्छी घड़ी दे, तो फाइनली ये रही। तो इसी के साथ फाइनली हमारा एनिवर्सरी व्लॉग यहाँ पे एंड होता है क्योंकि एक्चुअली यस्टरडे सेलिब्रेशन था और एंड इसको आज करी हूँ क्योंकि गिफ्ट पेंडिंग आज के लिए था। तो गिफ्ट आ चुकी है एंड हियर द व्लॉग एंड्स। कमेंट में बताइएगा आप सबको कैसा लगा हमारा ये छोटा सा ये सेलिब्रेशन जो हमने घर में किया। और देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और अभी तक आप लोगों ने जितना भी हमें सपोर्ट किया सबके लिए थैंक यू सो मच एंड या कीप वॉचिंग लाइफ विद पायल। नाइट नाइट।